हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शैलेश कुमार मौर्य और आज हम अपने चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये इस लेसन का सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो की जो भी PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आइए अब इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं। अब उसी के रिगार्डिंग हम ये देखने जा रहे हैं कि एक केमिकल इक्वेशन बेसिकली होती क्या है। एक केमिकल इक्वेशन जो होता है वो बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। यानी केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका होती है। और इस केमिकल रिएक्शन में हम लिखते क्या हैं, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं या कंपाउंड हैं उनके हम सिंबल या फॉर्मूले को यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी हमने कल ये देखा था कि कहीं पे अगर केमिकल चेंज हो रहा है तो वहाँ पे पक्का केमिकल रिएक्शन हो रही होगी। तो केमिकल रिएक्शन को विद दी हेल्प ऑफ, जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को एलिमेंट्स के सिंबल और फॉर्मूले के साथ लिखते हैं तो उसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। हमारे पास जनरली दो तरह की इक्वेशन जो हमको देखने को मिलती है वो होती है एक तरह की वर्ड इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ठीक है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना दिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मैंने यहाँ पे मैग्नीशियम का फॉर्मूला लिखा है क्या, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखा है क्या, नहीं, इसको जस्ट मैंने वर्डिंग्स में लिख दिया है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, आपकी वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, आपकी वर्ड इक्वेशन। अच्छा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जो भी हमारा रिएक्शन का एरो है उसके लेफ्ट साइड में जितनी भी चीज़ें लिखी जाएंगी उसको हम क्या टर्म करते हैं, एज अ रिएक्टेंट बोलते हैं। और इसी साइन ऑफ द रिएक्शन के राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ें लिखी जाएंगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको पहले तो पता होनी चाहिए। अब यानी हमने देख लिया कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है और वर्ड इक्वेशन क्या होती है। तो इसी को हम फिर फर्दर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो मैंने अभी बताया आपको कि इन वर्ड इक्वेशन रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। यानी जो भी हमारी ये वर्ड इक्वेशन थी उसमें क्या कर रहे थे, हम रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे थे। और दो रिएक्टेंट्स के बीच में हम कैसा सिंबल यूज़ करते हैं, आपका प्लस का सिंबल आपका हम यूज़ करते हैं। व्हाइल प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन दी राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट को हम लिखते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे कि इधर लिखा गया रिएक्टेंट जिसके बीच में प्लस का सिंबल हमने यूज़ किया और प्रोडक्ट को लिखा गया राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब जैसे इसको देखिए, इस चीज़ को जो हमने यहाँ पे लिखा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन किया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए मैंने मैग्नीशियम का फॉर्मूला यूज़ किया है, यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मूला यूज़ किया और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला यूज़ किया है। तो अभी भी इधर के रिएक्टेंट बोलेंगे, इधर को प्रोडक्ट बोलेंगे, लेकिन इस बार जबकि आपने सबका फॉर्मूला यूज़ किया है तो अब इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, आपकी एक केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। यानी ये आपकी एक केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये आपकी एक केमिकल इक्वेशन है। ऊपर जब हमने उसको वर्डिंग के फॉर्मेट में लिखा था तो उसको क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। ये क्या हो गई, केमिकल इक्वेशन। तो यही लिखा गया है कि केमिकल इक्वेशन एक शॉर्ट हैंड तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का केमिकल रिएक्शन को। ठीक है, तो होप करते हैं आपको यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अब आइए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो भी आपकी केमिकल इक्वेशन होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है। एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, अनबैलेंस का मतलब क्या है, जब चीज़ों के बीच में बैलेंस गड़बड़ हो जाए। यानी इट कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी इसके अंदर अनइक्वल नंबर ऑफ होंगे एटम्स होंगे किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, और ये वॉयलेट करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप एक इक्वेशन देखिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन कंबाइन करके क्या बना रहा है, आपका NH3 बना रहा है। अगर आप नाइट्रोजन के लिए बात करिए तो रिएक्टेंट साइड, यानी ये साइड है हमारी रिएक्टेंट की साइड और ये वाली साइड है हमारी प्रोडक्ट की साइड। तो रिएक्टेंट साइड में अगर पूछूं कि कितने नाइट्रोजन के एटम है तो ये तो N2 लिखा गया है। N2 का मतलब क्या है, इसके अंदर दो नाइट्रोजन के एटम है, N2 है ना, यानी इसके अंदर कितने नाइट्रोजन के एटम है, दो। तो इसीलिए लिखा गया कि रिएक्टेंट साइड आप देखिए दो एटम्स प्रेजेंट है। प्रोडक्ट साइड अगर मैं आपसे पूछूं तो आपके कितने नाइट्रोजन के एटम है, केवल और केवल एक ही प्रेजेंट है, तो इसीलिए एक एटम। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट किसी भी एक रिएक्टेंट का आपस में मैच नहीं कर रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो भी
प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, तो हमने ऐसा क्यों कहा कि ये वॉयलेट कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, क्योंकि आपको पता है कि ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स अपनी बस पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, वो ना तो कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, जस्ट वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ आपके रिएक्टेंट साइड में दो एटम्स थे, बाद में आप जाके देखते हो कि वहाँ पे तो एक ही एटम बचा है, तो यानी एक एटम को तो आपने डिस्ट्रक्ट कर दिया, यानी उसको आपने ख़त्म कर दिया, तो ये तो वॉयलेशन हो जाएगा ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, इसीलिए इस तरह से कहा गया। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए भी लिख रखी है कि अगर आप देखो तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम है, H2 है, तो इसके अंदर दो एटम है, यहाँ पे लिखा गया NH3, तो ये तीन एटम हो जाएंगे, तो फिर से ये बराबर नहीं हो रहा है। इसी तरह से अगर आप इसके और एग्जांपल देखो तो S+O2 SO3 अगर बना रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के देखिए दो एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन के देखिए तीन एटम। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एटम ही बैलेंस ना हो, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यहाँ पे सल्फर और सल्फर आपका बैलेंस स्टेट में है, क्या गड़बड़ है आपका, ऑक्सीजन आपका गड़बड़ हो जा रहा है, तो एक भी एटम गड़बड़ तो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट कर गया, यानी उसको हम सिंपली बोल देंगे इट इज़ अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो एक बार जल्दी से देखिए, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या थी, कंटेन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी दोनों तरफ जो एटम्स के नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, अनइक्वल, वॉयलेट कर जाएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के। ऐसा क्यों, क्योंकि जब को पता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम्स बस अपनी पोजिशन चेंज करते हैं, जैसे पोजिशन का चेंजिंग हो सकता है लेकिन कभी वो कंस्ट्रक्ट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, तो इस तरह से हो गया। अब इसी का जस्ट उल्टा है हमारे पास यहाँ पे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो बैलेंस्ड में क्या हो जाएगा, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, और टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, इसका भी मैं मतलब अभी आपको समझाता हूँ इस लाइन का, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने जो एग्जांपल लिया है H2+O2 गिव्स H2, मैंने क्या किया, इधर भी 2 लिख दिया और इधर भी 2 लिख दिया, ये बैलेंसिंग की चीज़ है, ये इसी वीडियो में भी हम देखेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ भी 2 लिख दिया और यहाँ भी 2 लिख दिया, तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम काउंट करता हूँ जो रिएक्टेंट साइड में है, तो 2H2 बोले थे तो इसके अंदर तो दो एटम पहले से थे और आपने 2 और मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल एटम कितने हो गए इसके, 4 एटम्स हो गए। इधर भी देखिए H2 और 2, तो टोटल इधर भी 4, तो 4 और 4 दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, तो ठीक है। ऑक्सीजन के लिए देखिए यहाँ पे O2 है, O2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसके अंदर दो ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे, यहाँ पे 2O हो जाएगा, ठीक है, ये तो H2O है तो 2O हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, दो ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। तो देखिए रिएक्टेंट साइड भी 2 और इधर प्रोडक्ट साइड भी 2, तो ओवरऑल यानी ईच एंड एवरी एटम बैलेंस है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया था कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, तो अगर इसका मतलब क्या, H2 हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 2 ग्राम्स होता है, उसमें 2 आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसका मास हो जाएगा 4 ग्राम्स, ठीक है। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16 ग्राम, दो ऑक्सीजन एटम है तो मास हो जाएगा आपका 32, ठीक है। तो इधर रिएक्टेंट साइड जो टोटल मास है वो कितना है आपका 36, यहाँ पे टोटल मास है 36। अच्छा, अब यहाँ पे 2H2O है, तो वाटर का मास कितना होता है आपका 18 में 2 मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 36, तो इधर भी 36 इधर भी 36, तो इसीलिए कहा जाता है कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होता है, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लिखा गया यहाँ पे, जिंक प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2। अब जैसे आप किसी की भी एटम चेक करो, आप सल्फर के एटम चेक करो, तो रिएक्टेंट साइड में सल्फर के एटम एक है यहाँ पे और इधर भी सल्फर का एटम एक ही है। ऑक्सीजन चेक करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ भी 4 ऑक्सीजन एटम है और इधर भी 4 है, तो यहाँ पे सभी एटम बराबर है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। एक बार जल्दी से देख लीजिए क्या अंतर था अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड में। अनबैलेंस्ड का मतलब ये था कि इक्वल नंबर ऑफ एटम्स नहीं होते हैं दोनों तरफ, एक के भी नहीं हो सकते हैं, हो सकता है सभी के सभी डिस्टर्ब हो, और बैलेंस में क्या होगा, ईच एंड एवरी एटम जितने रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट है उतने ही आपके प्रोडक्ट साइड भी प्रेजेंट होंगे, तो ये आपका होता है अनबैलेंस्ड वर्सेस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पूरा का पूरा समझाया। और इसके पहले हमने क्या देखा, यहाँ पे जल्दी से देखें तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जब हम किसी भी चीज़ों का फॉर्मूले के मदद से लिखें, जब कोई सी रिएक्शन में हम सभी चीज़ों का फॉर्मूला लिखें तो उससे जो बनता है उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जो भी साइन ऑफ द रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट होगा उसको रिएक्टेंट बोलेंगे, और राइट हैंड साइड जो प्रेजेंट होगा उसको प्रोडक्ट बोलेंगे। दो रिएक्टेंट या दो प्रोडक्ट के बीच में हम प्लस साइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि अगर कोई इक्वेशन अनबैलेंस्ड है तो उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए
हमारा अगला टॉपिक क्या है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या है, अब हमको तो ये पता चल चुका है कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर हम कहीं लिख रहे हैं इसका मतलब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वॉयलेट कर रहे हैं, यानी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन तो हमें लिखना ही नहीं चाहिए। तो अगर किसी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को जब हम बैलेंस करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब इसके रूल्स क्या होते हैं स्टेप के, कोई ऐसा है नहीं, फिर भी मैंने आपको एक लिस्ट डाउन कर दिया है कि आप क्या करिए, सभी तरफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स को पहले काउंट कर लीजिए। जिस भी एटम को आपको बैलेंस करना है, चाहे वो रिएक्टेंट साइड प्रेजेंट हो या प्रोडक्ट साइड, आप उसके टोटल नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लीजिए, फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको बैलेंस करने की कोशिश करिए। अब जनरली यानी हिट एंड ट्रायल का मतलब क्या होता है, अब आप अपने हिसाब से कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड करके चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करिए। तो ये जनरली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब पहली बार स्टूडेंट इस चीज़ों को देखने की कोशिश करता है। तो मैंने यहाँ पे एक रेड कलर के बॉक्स में लिख दिया है आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड मतलब आप कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करिए, चीजों को दोनों तरफ बैलेंस करिए। आपके ऊपर है या आपके थिंकिंग के ऊपर है कि आप कैसे करोगे, लेकिन फिर भी आपके प्रोसेस को आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे एक वर्डिंग लिख दिया है कि ट्राई टू कन्वर्ट ऑड वैल्यूज इनटू इवन वैल्यूज, यानी ऑड नंबर है जैसे कहीं अगर 3 एटम है तो उसको इवन में कन्वर्ट करिए। तो 3 को इवन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड ही करना है आपको केवल। तो मल्टीप्लाई अगर 2 से कर देंगे जो सबसे कम वैल्यू है तो 6 होके वो बैलेंस हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है, KClO3 को जब हम हीट करते हैं तो KCl प्लस O2। देखिए इधर पोटेशियम एटम को काउंट करिए तो इधर भी पोटेशियम एटम 1 है, इधर भी पोटेशियम एटम 1 है। क्लोरीन एटम को देखिए, इधर भी क्लोरीन एटम 1 है, इधर भी क्लोरीन एटम 1 है, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन देखिए, इधर 3 ऑक्सीजन एटम है और इधर 2 ऑक्सीजन एटम है, तो यानी यहाँ पे गड़बड़ आ रही है हमारे पास। तो हमने आपको क्या बोला है, ट्राई टू कन्वर्ट ऑड वैल्यूज इनटू इवन वैल्यूज, तो ऑड वैल्यूज कौन सी है, ये 3 है, तो इस 3 को हमको इवन में कन्वर्ट करना है, तो हमें केवल मल्टीप्लाई ही करना है यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, क्या यहीं पे 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं, हमेशा हम यहाँ पे मल्टीप्लाई चीज़ों का कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चे गलतियाँ करते हैं, जैसे ये O3 लिखा हुआ है तो यहीं पे 2 का मल्टीप्लाई करती है, कभी भी आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, जब भी आपको करना है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ही कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो सकता है। तो चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 × 3 यानी टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हो गए आपके पास, 6 हो गए। अब यहाँ पे तो 2 ही प्रेजेंट है, तो इस 2 को 6 करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे हम 3 कर दें। बातें समझ में, फिर से देख लो नहीं आया तो, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम थे, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम थे, तो मैंने कहा कि पहले आपको रूल बताया कि ऑड वैल्यू को इवन वैल्यू में कन्वर्ट करिए, तो ऑड को इवन में करने के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 3 टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन एटम हो गए। तो जब 6 ऑक्सीजन एटम हो गए तो इधर भी तो हमको 6 करना पड़ेगा, तो ये आपका 2 एटम पहले से थे, तो यहाँ पे हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 × 2 इधर भी कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन एटम हो गए। चलिए ऑक्सीजन तो हो गए, लेकिन ऐसा करते ही आप देखिए, अब इधर 2 पोटेशियम 2 क्लोराइड है लेकिन इधर 1 पोटेशियम 1 क्लोराइड है, तो ऐसा कैसे करेंगे, तो यहाँ भी हमको 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके हमारी चीज़ें बराबर हो जाएंगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अनबैलेंस्ड ऑक्सीजन एटम इज बैलेंस्ड बाई मल्टीप्लाइंग 3 ऑन प्रोडक्ट साइड एंड 2 ऑन रिएक्टेंट साइड। तो पहले हमने 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया था, जैसे ही ऐसा किया तो क्या हो गया कि आफ्टर डूइंग सो पोटेशियम एंड क्लोरीन एटम गेट डिस्टर्ब, वही लिखा मैंने कि अब इधर तो 2 पोटेशियम हो गए, 2 क्लोरीन हो गए, लेकिन रिएक्टेंट साइड केवल 1 ही पोटेशियम 1 ही क्लोरीन था, सो टू बैलेंस देम वी मल्टीप्लाई 2 ऑन प्रोडक्ट साइड। तो फाइनली हमने इसको इस तरह से कर दिया और क्या आ गई हमारी, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई। तो इन जनरल आपको क्या करना है, आपको ऐसे एटम को, आपको इस प्रॉब्लम के थ्रू ये समझ में आना चाहिए कि आपको सबसे पहले ऐसे एटम को स्पॉट करना है जो ऑड संख्या में है, यानी जो बैलेंस नहीं हो रहा, ऑड वाले को कुछ मल्टीप्लाई करके इवन में करिए, फिर बाकी वैल्यूज़ के लिए भी चेक करिए और आप अपना आंसर फिर कर सकते हो। ठीक है, तो अब आइए, हमारे पास ढेर सारी यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हमने आपके लिए लिख रखी हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कॉन्सेप्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, आइए एक एक करके हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया प्रॉब्लम में, देखिए फर्स्ट CO+H2 गिव CH3OH। तो बताइए कार्बन एटम पहले काउंट करिए, 1 कार्बन एटम, यहाँ पे भी 1 कार्बन एटम, ऑक्सीजन इधर 1 है इधर भी 1 है,
ठीक है। हाइड्रोजन ध्यान से देखिए, इधर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और इधर 3 और ये 1, 4 हाइड्रोजन एटम है। तो हमको इस 2 को इस 4 के बराबर करना है, तो क्या तरीका होना चाहिए, सिंपली यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दें। तो अब देखिए सब कुछ बैलेंस हो गया हमारा, क्योंकि इधर भी 4 हाइड्रोजन एटम हो गए, इधर 3 1 एक 4 हो गए, इधर एक कार्बन एटम था, इधर भी एक कार्बन एटम, एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम, चीज़ें बराबर हो गई। तो इसी का मैंने फिर नीचे क्या किया है आपको देखिए आंसर भी दे दिया, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलिए। यहाँ पे बताइए H2+Cl2 गिव्स HCl, इधर 2 हाइड्रोजन एटम, इधर 2 क्लोरीन एटम, इधर एक एक है दोनों के, तो हमको 1 को 2 करना है, तो क्या तरीका होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पे जस्ट क्या करिए आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी आपको करना है ध्यान रखिए हमेशा इस जगह पे ही आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करिए, डिवाइड से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई कुछ ना कुछ करना है, तो इधर भी 2 था, इधर भी 2 था, इधर 1 था, तो अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो दोनों का एक साथ काम हो जाएगा, तो हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, N2+H2 गिव NH3। तो अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा आप थोड़ा सा, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है 2, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन एटम है 3। रूल आपका क्या था कि पहले ऑड वैल्यूज को इवन में कन्वर्ट करिए, तो 3 है तो इसको मेरे को इवन में कन्वर्ट करना है, तो क्या तरीका होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए अब तो ये 6 हाइड्रोजन एटम हो गए, तो जब इधर 6 हो गए, इधर तो 2 ही है, तो 2 को 6 में करने का तरीका क्या हो सकता है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो चलिए यहाँ पे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो चलिए हाइड्रोजन तो मैं बैलेंस कर लिया, अब नाइट्रोजन चेक कर लेते हैं। इधर देखिए 2 नाइट्रोजन एटम है, इधर भी N2 2 नाइट्रोजन एटम है, बातें बराबर है, यानी मेरी रिएक्शन क्या हो गई है बैलेंस। तो आप पकड़िए ऑड वाला एटम वाला कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तो जल्दी से प्रॉब्लम आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। अब आइए इस क्वेश्चन को चलते हैं, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए, Sodium+Water NaOH+H2, ये आपके NCERT का ही प्रॉब्लम है, ठीक है, ये NCERT में आपके गिवन है। तो अब जरा ध्यान से देखिए, सोडियम इधर भी सोडियम एक बराबर है, ठीक है, ऑक्सीजन एक, इधर भी ऑक्सीजन एक। अब यहाँ पे दिक्कत कहाँ आ रही है, हाइड्रोजन में, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 एक 3 हाइड्रोजन एटम्स है। तो हम क्या करें, हम अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो हमें हमेशा इवन क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, तो 1 को इवन क्वांटिटी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए यहाँ पे हो गया 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए, तो 4 हाइड्रोजन हो गए, तो इधर तो 2 ही हाइड्रोजन एटम थे, तो यहाँ पे हमने अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी 4 हाइड्रोजन हो गए। अब जरा सा देखिए आप ऑक्सीजन एटम की तरफ, तो इधर 2 ऑक्सीजन एटम हो गए, यहाँ भी इस 2 के वजह से ये 2 ऑक्सीजन एटम है, तो ये भी बराबर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बराबर। अब सोडियम चेक कर लेते हैं, इधर 2 सोडियम एटम्स हैं, तो इधर तो 1 ही है, तो हम कैसे करेंगे, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका, हो जाएंगी चीज़ें। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, एक बार आप वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार आप थिंकअप करो कि कैसे इस क्वेश्चन को आप सोच सकते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं, बेरियम क्लोराइड अल्मोनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट अल्मोनियम क्लोराइड। चलिए हम मान लीजिए क्लोरीन एटम से स्टार्ट करते हैं, इधर दिख रहा है आपको क्लोरीन एटम 3 है, इधर दिख रहा है क्लोरीन एटम 2 है, क्लोरीन एटम को बैलेंस करना है मेरे को, तो तरीका क्या होता है, ऑड वैल्यूज को इवन वैल्यूज में कन्वर्ट करना, तो 3 है तो इसको इवन में कन्वर्ट करना है, तो क्या यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। इधर 2 प्रेजेंट है, तो 2 को 6 करने का क्या तरीका है, सिंपली यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हो गया मेरे पास, तो यानी ये तो चीज़ें हो गई। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अब बेरियम की चीज़ें देखिए, यहाँ पे 3 बेरियम एटम्स हो गए, 3 बेरियम एटम्स हो गए, यहाँ पे तो एक ही बेरियम एटम है, तो क्या मेरे को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। बस आपने जैसे ही यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया, अब देखो इक्वेशन बैलेंस हो गई, देखो 3 बेरियम एटम्स, यहाँ पे भी 3 बेरियम एटम। सल्फेट देखो यहाँ पे 3, ये ब्रैकेट लगा है ना, 3 सल्फेट एटम्स है, यहाँ भी 3 लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी 3 सल्फेट एटम्स प्रेजेंट है। अल्मोनियम देख लो, 2 अल्मोनियम, यहाँ भी 2 अल्मोनियम, तो चीज़ें ऑटोमेटिक बैलेंस हो गई। बस ऑड वाले चीज़ों को पकड़ो आप, तुरंत आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, आयरन प्लस वाटर Fe3O4+H2, ये भी NCERT का ही आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब बताइए इसको कैसे करेंगे आप, तो चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं। Fe3O4, तो यहाँ पे तो 3 Fe एटम्स है, ठीक है, यहाँ पे कितने एटम्स हैं, 3 Fe एटम्स हैं। तो चलो मान लो अगर आपका कॉन्सेप्ट है, तो आपने मान लीजिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस ऑड वाले को इवन में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितने हो गए, 2 × 3 यानी 6 हो गए। तो चलिए हमने मान लीजिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इस तरह से मान लीजिए हमने बिगिन अप किया। अब यहाँ पे देखिए कितने ऑक्सीजन एटम हो गए, यहाँ पे 2 × 4 8 ऑक्सीजन एटम हो गए, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन एटम हो गए, 8 ऑक्सीजन एटम हो गए, तो 8 ऑक्सीजन एटम करने के लिए हमने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई कर दिया,
ठीक है। तो अब देखिए कितने हाइड्रोजन एटम हो गए, 8 × 2 16 हाइड्रोजन एटम्स हो गए। यहाँ पे तो 2 ही है, तो यहाँ पे भी मान लीजिए हमने 8 ऑक्सीजन एटम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बातें समझ में आई, देख लो कैसे किया। सबसे पहले 3 आयरन के एटम थे, तो इस 3 के आयरन के एटम्स को हमने करने के लिए क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 हो गए। तो इधर 6 हो गए, तो हमने इसको 6 करने, यहाँ पे 6 आयरन एटम्स हो गए, तो हमने इधर भी 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमने ऑक्सीजन एटम को देखा, तो इधर 4 थे और इस 2 4 × 2 8 हो गए, तो ऑक्सीजन एटम करने के लिए 8 का मल्टीप्लाई किया, और इधर 8 ऑक्सीजन एटम हो गए, तो टोटल हाइड्रोजन चेक किया, तो 8 × 2 16 हो गए, तो यहाँ भी 8 × 2 16 हो गए। लेकिन अभी आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे 6 8 2 8, तो क्या सभी नंबर्स को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली बात है 2 से डिवाइड हो सकता है, तो अगर आप सभी नंबर को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा 4। तो इससे ऊपर वाला भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, लेकिन हमारी इन जनरल प्रैक्टिस होती है कि हम हमेशा लोवेस्ट मल्टीपल्स में लिखने की कोशिश करते हैं, तो वही यहाँ पे देखिए आपका आंसर भी लिखा गया है। ठीक है, तो आप अगर ऊपर वाला भी लिख लोगे 6 8 2 8 तो भी सही है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस होती है हम हमेशा उसको लोवेस्ट मल्टीपल में ही लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आइए इस इक्वेशन को देखते हैं। CO2 plus H2O that gives C6H12O6 plus O2। मेरा आपको सजेशन ये रहेगा कि ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है, तो आप क्या करो, ये इसको लर्न कर लीजिए, आप इसको बैलेंस कर सकते हो, एक बार आप अपने से ट्राई करना, आपसे ये बैलेंस भी हो जाएगी। लेकिन मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि आपको ये हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि इन जनरल जल्दी पूछ भी लिया जाता है, तो इसको आप खुद से एक बार ट्राई करना, ये आपके लिए एज अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम मैं छोड़ता, आंसर ये रहा। ठीक है, एक बार आप खुद से बैलेंस करने की कोशिश करना, अच्छा क्वेश्चन है इसीलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। अब आइए लास्ट क्वेश्चन ये करते हैं, CH4 plus O2 that gives CO2 plus H2। तो अब जरा ऑक्सीजन एटम देखिए, इधर 2 है इधर 1, तो 3 हो गए, इधर 2 है, तो हमको क्या करना चाहिए, पहले ऑड वाले को इवन, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो देखिए 2 ऑक्सीजन एटम और ये 2 ऑक्सीजन एटम 4 हो गए, इधर तो 2 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ें बैलेंस हो गई, कार्बन एटम देखिए 1 कार्बन एटम, यहाँ भी 1 कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 × 2 4, चीज़ें बैलेंस है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए एक और देख लीजिए, आयरन प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स Fe2O3। तो अब बताइए इसमें ऑड वाली संख्या कौन सी है, यहाँ पे 3 है इधर 2 है, तो इधर 2 मल्टीप्लाई कर दें, इधर 3 मल्टीप्लाई कर दें, जैसे ही ऐसे करेंगे तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, अब बचता है आयरन, तो इधर 4 आयरन के एटम्स हो गए, इधर 1 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, आप देखोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे टोटल हमने 8 प्रॉब्लम्स डिस्कस की, ये हम डिस्कस करते आ रहे हैं पूरा अभी तक। ठीक है, और आपके लिए एक हमने क्वेश्चन छोड़ा वो CO2 वाला, तो क्वेश्चन सेवन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको एक बार आप देखना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि इतनी प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा कि चीज़ों को बैलेंस कैसे करते हैं। आइए कुछ और चीज़ें हैं, फिर इस लेक्चर को हम रैपअप करते हैं। देखिए अभी तक आपने ये देखा कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं, केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस केमिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन एक केमिकल रिएक्शन को देख के पता चल सके, इसीलिए हम क्या करते हैं, फिजिकल स्टेट भी लिखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अलॉन्ग विद द केमिकल रिएक्शन। जैसे अगर कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में है तो उसको हम एस ब्रैकेट्स में लिखेंगे, लिक्विड स्टेट में है तो एल ब्रैकेट से, गैसियस स्टेट में है तो जी से, एक्वस मतलब क्या कि उसमें वाटर में डिजॉल्व होगा तभी वो रिएक्शन पॉसिबल होगा, विच रिक्वायर्स वाटर एज अ मीडियम फॉर रिएक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से होना चाहिए आपका। कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंडीशंस भी होती हैं, जैसे टेम्परेचर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, कैटलिस्ट क्या होगा। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट वो सबस्टांस होता है जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा या घटा सकता है, बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। जैसे मैं अगर आपको एक कॉमन एग्जांपल समझाऊं कि आप जैसे अपने से अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके कुछ मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आप एक अच्छे टीचर की हेल्प से कर रहे हैं तो थोड़ा सा जल्दी आप उन मार्क्स को अचीव कर पाएंगे। तो वैसा ही काम कैटलिस्ट का भी है, वो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। ठीक है, तो एक हम क्या करते हैं, रिएक्शन के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट, इन जैसी चीज़ों को भी
मेंशन करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप एक एग्जांपल, जैसे हमने ये रिएक्शन पहले भी देखी थी, हमने यहाँ पे कंडीशन भी लिख दी कि जिंक जैसे सॉलिड स्टेट में लिख दिया, H2SO4 एक्वा स्टेट में लिख दिया, जिंक सल्फेट एक्वा स्टेट में लिख दिया। हमको पता हाइड्रोजन गैस होती है जो रिलीज हो जाएगी, तो उसको गैसियस स्टेट में लिख दिया। तो अगर हमने ऐसा लिखा तो हमको ये दिख गया कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन भी है, साथ ही साथ हमको चीज़ों की स्टेट भी पता चली, तो हमारी ये रिएक्शन क्या ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं हो गई पहले से। तो इसीलिए किसी केमिकल इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम ऐसी चीज़ों का यूज़ करते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा कार्बन गैस ऑक्सीजन गैस हीट कर दिया CO2 गैस, तो वही तरीके हैं। अब जैसे जो मैं टेम्परेचर प्रेशर की बात कर रहा था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे दो इक्वेशन लिख रखी हैं। जैसे देखिए ये इक्वेशन हो रही है, ठीक है, इसको हमने पीछे बैलेंस भी कर किया हुआ था अभी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिख भी दिया कि ये 300 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होगी, प्रेशर इतना चाहिए, ये सारे रिएजेंट्स कैटालिस्ट की तरह वर्क करेंगे तो ये रिएक्शन हो पाएगी। तो अब कोई भी व्यक्ति सिर्फ इस इक्वेशन को देखेगा तो उसको इस रिएक्शन की सभी चीज़ें पता चल गई कि मेरे को कितना टेम्परेचर रखना है, कितना प्रेशर रखना है, क्या चीज़ें डालनी है कि रिएक्शन तेज हो जाए। और वही देखिए, जब हम ये वाली रिएक्शन पहले लिख रहे थे, जब हमने प्रैक्टिस में लिखी थी ये वाली देखिए रिएक्शन, जब हमने इसको जस्ट प्रैक्टिस में जब किया था, तो आप देखिए इस रिएक्शन और इस रिएक्शन को देखिए तो बहुत सारी अंतर दिख रही हैं। ना इसमें स्टेट पता चल रहा है, ना कुछ पता चल रहा है, ना टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो इसीलिए एक केमिकल रिएक्शन को इन्फॉर्मेटिव बनाने के ये सारे तरीके होते हैं। सिमिलर रूप से आप देखो तो ये वाला भी आपका इसी तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आप एक दो चीज़ें याद कर लो, स्पेशली मेरे हिसाब से आप थर्ड और ये फोर्थ वाला पॉइंट याद कर लीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से उसको लिख पाएँ, ठीक है। तो ये था हमारा एक कंप्लीट लेक्चर रिगार्डिंग केमिकल इक्वेशन के। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन के साथ फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।